आखिर किस वजह से परी अर्चू ये जो ट्रेंड, ये जो हैशटैग है इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, आखिर ऐसा कौन सा वीडियो है प्रियंका चौधरी और अर्चना गौतम का जो इस समय बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, और क्या बातें हो रही हैं इस वायरल वीडियो में, और किस वजह से ये वीडियो जो है लोगों को एकदम आई कैचर बन चुका है, किस वजह से ये वीडियो में आखिर ऐसा क्या बोल दिया अर्चना गौतम ने जिसकी वजह से लोग इस वीडियो को वायरल करवा रहे हैं, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। अर्चना गौतम भाई, एक चीज़ थी बिग बॉस के घर में, अगर आप इनकी पूरी की पूरी जर्नी देख लो या फिर घर के बाहर आने के बाद एक जर्नी अगर उनकी देखोगे ना, तो एक चीज़ आप हमेशा बोलोगे कि देखो आप यू कैन आइदर लव हर, यू कैन आइदर हेट हर, बट यू जस्ट कांट इग्नोर हर। बहुत सिंपल सी बात है। अर्चना गौतम ने ना बिग बॉस के घर में उनकी जर्नी जिस तरीके से भी थी, अर्चना ने कैमरे को नहीं ढूंढा बल्कि कैमरा ने खुद अर्चना को ढूंढा है हमेशा भाई। कंटेंट क्वीन ऐसे ही नहीं बोला गया था अर्चना गौतम को, लेकिन उनको कुछ चीज़ों पर पसंद भी किया गया, कुछ चीज़ों पर नापसंद भी किया गया, जिसको शायद अर्चना को उन सारी बातों से फ़र्क ना पड़ा हो, लेकिन हो ना हो बाहर आने के बाद अब अर्चना को लोग पसंद कर रहे हैं। अर्चना को तेलुगु मूवीज़ के ऑफ़र आ रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग मूवीज़, मतलब उनको बहुत सारे ऑफर्स आए हैं जिसको लेकर खुद अभी इस समय वो सोच में है कि उनको क्या करना चाहिए। और आपको बता दें कि हाल ही में वो अपनी दीदी यानी कि प्रियंका गांधी से ही मिलने पहुंची थी और उनसे भी उनकी भेंट हो चुकी है आखिरकार, क्योंकि पोस्ट उन्होंने खुद डालकर बताया कि मेरा मतलब जो भी कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगी या करूंगी, मेरे वो सारी चीज़ों की प्रेरणा दीदी हमेशा आप ही रहोगे। ये चीज़ उन्होंने खुद पोस्ट डाल के शेयर करके लिखी है। और साथ ही साथ अर्चना को जब बिग बॉस के घर में आपने देखा होगा तो ऐसा लग रहा था कि भाई इसका ना बाहर जाके किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनने वाला, लेकिन अब अगर आप अर्चना गौतम को देख लो किसी पार्टी में कहीं पे भी, तो ऐसा लग रहा है कि भाई अर्चना गौतम से बेहतर बाहर बॉन्ड कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से वो सभी कंटेस्टेंट से मिल रही हैं, बातें कर रही हैं, अपनी अपनी बातें रख रही हैं, लोग उनको उस वजह से पसंद कर रहे हैं। अभी हाल ही में आप देख सकते हो अर्चना गौतम जो है वो किसी जगह पर लाइव इंटरव्यू में है और उनको बोला गया कि आप किसी को फ़ोन लगाइए और उनसे बात करिए। उन्होंने प्रियंका चौधरी को फ़ोन लगाया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने प्रियंका को एक नया नाम भी दे दिया, बाबू बच्चा बोल रही हैं फ़ोन पे। वो चीज़ की वजह से जनता ट्रोल भी कर रही है कमेंट सेक्शन में। तो आपको बता दें कि फ़ोन पर बात करते करते अर्चना मतलब पूछते हैं कि क्या भाई क्या चल रहा है, क्या हालचाल, इस पर प्रियंका बोलती हैं घर ढूंढ रही हूँ, बस घर ढूंढने में लगी हुई हूँ इस समय। जिस पर अर्चना, आप हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में 2-3 दिन पहले आपको ऑलरेडी बताया था कि अर्चना गौतम भी घर ढूंढ रही है मुंबई में, तो ये दोनों अर्चना जो है बोलती हैं प्रियंका को कि देख मैंने भी 2 घर ढूंढ के रखे हैं, मैं तेरे को बताती हूँ अगर हो सके तो अपन साथ में ही घर देखते हैं, मतलब एक ही साथ ढूंढते हैं अगर किधर अच्छा घर मिल गया तो। जिसके बाद अर्चना जो है ठीक है बच्चा मैं फ़ोन रखती हूँ ये बोल के फ़ोन रखती है, जिस पर जनता का क्या रिप्लाई है, कोई लग रहा है कि भाई प्रियंका को घर नहीं मिला अब तक, कोई लिख रहा है ये अर्चना ने बताया भी नहीं उसको कि लाइव है, भाई कुछ भी करती है अर्चना। फिर कोई लिख रहा है कि भाई बाबू बच्चा, फिर कोई लिख रहा है प्लीज़ डोंट हाइप परी एन अर्चू ओनली प्रियंका रखो भाई। इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताएगा मैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर, और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।